Hello, my dear students, how are you all? I hope from you are very, very well, happy and safe at your home. So don't worry about your study because I am here. This is your revision video. So let's start here. Underline the conjunctions in the following sentences. यहाँ पर conjunctions जो होते हैं, conjunctions होते क्या हैं? पहले तो ये है. तो कंजेक्शंस वो वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंस को या दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं. कंजेक्शंस को ज्वाइनिंग वर्ड भी कहते हैं, ठीक है. जिसमें कंजेक्शंस जो हैं उनको आपको देखना होगा. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखो वही जो ज्वाइन करते हो दो वर्ड या दो सेंटेंस को वो होते हैं कंजक्शंस. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द ओलंपिक गेम इज नॉट टू विन बट टू टेक पार्ट. तो यहाँ पर क्या होगा? बट, ठीक है. द वुमेन गेव ओमरी अ प्रेजेंट, ये एक सेंटेंस हुआ. फिर दूसरा सेंटेंस, ही वॉज डिलीवरिंग थिंग्स टू हर फादर. तो यहाँ पर उसके पहले एज लगा करके ये एक ही दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बना दिया गया. तो यहाँ पर आपको एज के अंदर अंडरलाइन करना है, एज के नीचे. इसके बाद ओमरी वॉज फ्यूरियस, ठीक यहाँ तक एक सेंटेंस था. उसके बाद ही न्यू हिज वाइफ हैड बीन फूल्ड बाय द मैन. तो ओमरी वॉज फ्यूरियस बिकॉज ही न्यू हिज वाइफ हैड बीन फूल्ड बाय द मैन. तो यहाँ बिकॉज नीचे अंडरलाइन करना होगा, ठीक है. उसके बाद ऑल दो द 12 टास्क गिवन टू हरकुलस वर considered impossible to perform, he successfully completed them. Okay, although ये जो है ये भी आपका कंजक्शन है. यद्यपि 12 टास्क जो हरकुलस द्वारा कंसिडर किए गए थे, जो करना इम्पॉसिबल है, उसको उसने कंप्लीटली कर लिया सफलतापूर्वक, ठीक है. तो यहाँ पर although जो यूज़ हुआ है वो दो सेंटेंस को एक करने के लिए यूज़ हुआ है, इसलिए although क्या है, although ही यहाँ पे कंजक्शंस है. उसके बाद मुल्ला नसरुद्दीन एक्सक्लेम्ड माई हेड वुड हैव बीन स्मैश्ड इफ पम्पकिंस ग्रू ऑन द ट्रीज. मुल्ला नसरुद्दीन एक्सक्लेम्स, My head would have been smashed if pumpkins grew on the trees. अगर कद्दू ट्री में होता तो कैसा रहता. ऐसा मुल्ला नसरुद्दीन सोच रहे हैं कि कद्दू जो है वो नीचे शहाब्स में ना हो करके वो उसमें पेड़ पे हो जाए. तो बोलो जब वो सोच ही रहा था तो उसके सोच में ही पेड़ से सोचो, अगर कद्दू पेड़ पर होते तो फिर कद्दू जब गिरता किसी के ऊपर तो वही बेहोश हो जाता अगला जिसके ऊपर भी गिरता. इसीलिए जो हल्के फ्रूट्स होते हैं जिनके गिरने से किसी को नुकसान ना हो वो पेड़ पर होते हैं, और जो बारी फ्रूट्स होते हैं वो जमीन पर होते हैं, ठीक है. तो इस दुनिया में जो होता है सब अच्छे के लिए होता है. तो यहाँ पर भगवान ने जो भी सोचा है, जो कर रहे हैं वो सब सही सही है कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ राज होगा. तो यहाँ कहने का मतलब है, अगर पम्पकिन भगवान ने ट्रीज पर नहीं उगाए तो उसके पीछे भलाई है हमारी. अगर ट्रीज पर पम्पकिन होते इट मीन्स कद्दू जिसके सर पर गिरता वो भी कद्दू की तरह हो जाता. चलो खैर, तो अभी हमने एक एक्सरसाइज की कंजक्शंस वाली, तो ये आप लोगों को लर्न एंड राइट कर लेनी है और लिख लेना है रिवीजन वर्क. लर्न एंड राइट इट.
एंड सेंड मी क्विकली गुड बाय टेक केयर।